अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हियर योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान के यू एम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लेक्चर्स को स्टार्ट किया हुआ है। उसके अंदर हमारे पास जो फिफ्थ टॉपिक है उसके अंदर हम लोग देखेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग इसके जनरल पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं कि द कार्बोक्सिल ग्रुप डिस्प्लेज द केमिस्ट्री ऑफ बोथ द कार्बोनिल एंड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हमने शुरू में देखा कि हमारे पास जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो दो फंक्शन ग्रुप्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। उसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप भी देखने को मिलता है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी देखने को मिलता है। तो जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो दोनों ग्रुप्स की केमिस्ट्री को जो है वो हमारे पास शो कर रहा होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप जो है, जैसे हम लोगों ने अल्कोहल्स के केस में पढ़ा था कि वो हमारे पास दो तरह के रिएक्शन शो करते हैं। सी ओ बॉन्ड क्लीवेज भी हमें देखने को मिलती है और ओ एच बॉन्ड क्लीवेज भी हमें देखने को मिलती है। इस तरह से जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो दोनों तरह की क्लीवेज जो है वो हमें शो करता हुआ दिखाई दे रहा होता है। और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो हमारे पास एडिशन रिएक्शन जो है वो नहीं देती। हमने कहा कि हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड्स की तरह भी रिएक्शन शो करते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की तरह भी। फिर हमने कहा कि ये अल्कोहल्स की तरह की रिएक्शन शो कर रहे हैं और इसी तरह से जो कार्बोक्सिल ग्रुप्स की तरह से एडिशन रिएक्शन जो है, एडिशन रिएक्शन तो शो नहीं करते लेकिन हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे, रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे, वो ये शो कर रहे होते हैं। तो कहते हैं कि कार्बोक्सिल ग्रुप डज नॉट गिव एडिशन रिएक्शन। हमारे पास जो कार्बोक्सिल ग्रुप है वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते लाइक कार्बोनिल ग्रुप्स ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इट्स कंजुगेट बेस। के इसकी जो अब यहाँ पे देखें हमारे पास कि क्या होता है, एडिशन रिएक्शंस कब होते हैं। एडिशन रिएक्शन जो उस वक्त पॉसिबल होते हैं जब हमारे पास पाइप बॉन्ड जो है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। अब अगर ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है, बेसिकली इसके अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ जाती है। होता क्या है कि हमारे पास इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये जो हमारे पास बॉन्ड्स होते हैं उनमें से एक बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो शिफ्ट होकर हमारे पास इस कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड आ जाएगा और इसके ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आता है। सपोज करें कोई भी हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आता है, इसके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को चकमा देते हैं। वो कहते हैं भाई उसने अपने पूरे का पूरे इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिया, ये वाले इलेक्ट्रॉन जिधर से निकल आके कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे कर रहे होते हैं। मतलब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है इन बॉन्ड्स के ऊपर, लेकिन ये बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के पास चला जाता है। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाता है। अब न्यूक्लियोफाइल दोबारा पे यहाँ पे आके अटैक करने की कोशिश करेगा तो दोबारा से ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो इसी तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से न्यूक्लियोफाइल को वो जगह ही नहीं मिल पाती जहाँ पे वो जाके अटैक कर पाए। तो हम लोग कहते हैं कि जो कार्बोक्सिल ग्रुप्स होते हैं वो हमारे पास एडिशन रिएक्शन नहीं दे रहे होते लेकिन ये रिडक्शन रिएक्शन जो है वो शो कर रहे होते हैं। हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीडेशन भी जनरली पॉसिबल जो है हमारे पास पॉसिबल नहीं होते। तो हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये रिडक्शन रिएक्शन जो है वो शो कर रहे होंगे। मोस्ट रिएक्टिव क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हमारे पास तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस में से सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव क्लास है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगी। उसकी रीजन होती है कि इसके अंदर दोनों तरह की केमिस्ट्री मौजूद होती है, कार्बोनिल ग्रुप्स की भी और हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स की केमिस्ट्री भी हमें देखने को मिल रही होती है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारे पास टू टाइप्स ऑफ क्लीवेज जो है वो हमें देखने को मिल रही होती है इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर स्ट्रक्चर है तो पहली क्लीवेज कौन सी होगी, वो हमारे पास ओ एच क्लीवेज होगी। मतलब यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास सेपरेट आउट हो जाएगा। तो जब एक पॉजिटिव स्पीशी उतरेगी इसकी जगह पे आके पॉजिटिव ही लगेगी। जब ओ एच क्लीवेज होगी तो वो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, हम लोग इसको आगे जाके भी डिस्कस करते हैं। जब दूसरी तरह की क्लीवेज होती है वो हमारे पास सी ओ क्लीवेज होती है। सी ओ क्लीवेज के अंदर क्या होगा कि ये सी और ऑक्सीजन का बॉन्ड हमारे पास ब्रेक होता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इकट्ठा एक नेगेटिव स्पीशी के तौर पर अलग होता है। तो जब नेगेटिव की जगह पर नेगेटिव आता है तो इसको हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो दो तरह की क्लीवेज हमें देखने को यहाँ पर मिल रही होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रिएक्शंस कितनी तरह के शो करते हैं तो हमारे पास तीन तरह के रिएक्शंस होंगे। कौन कौन से होते हैं, वो वाले रिएक्शन जिनके अंदर हाइड्रोजन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इन्वॉल्व होगा, दूसरे रिएक्शंस वो जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इन्वॉल्व होगा, और थर्ड रिएक्शन वो होते हैं जिनके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ होल जो है वो हमें इन्वॉल्व होता है दिखाई दे रहा होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं कि टाइप्स ऑफ क्लीवेज एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन शोन बाय द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर। तो अगर आपसे क्लीवेज पूछी जाती है तो क्लीवेज हमने देखा कि वो दो तरह की होती है, ओ एच क्लीवेज और हमारे पास सी ओ क्लीवेज। और अगर आपसे टाइप्स ऑफ रिएक्शन पूछे जाते हैं तो वो हमारे पास तीन होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा कि दो तरह की क्लीवेज और तीन तरह के रिएक्शन जो है हमें देखने को मिल रही होती है। तो ये हमारे पास जनरल इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नाउ लेट्स मूव टू द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के हमारे पास किस किस तरह के रिएक्शन जो है वो हमें देखने को मिल रहे होते हैं। तो अगर हम लोग रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले वो वाले रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन एटम जो है वो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग द हाइड्रोजन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप, इनके अंदर जनरल पॉइंट्स की होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इन रिएक्शंस के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो हमारे पास ब्रेक हो रहा होता है। अब ये जो एच पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को ही हमेशा रिप्लेस करेगा, तो हमारे पास यहाँ पे एच पॉजिटिव जो है वो किसी भी दूसरे ई पॉजिटिव के साथ जो है वो रिप्लेस हमारे पास यहाँ पर हो रहा होता है।
कार्बोक्सैलिक एसिड जो है वो यहाँ पे एसिड के तौर पर एक्ट करेगा, क्योंकि कोई भी ऐसी स्पीशीज जो हाइड्रोजन को लूज कर देती है वो हमारे पास एसिड के तौर पर एक्ट कर रही होती है। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएंगे, क्योंकि जब भी पॉजिटिव स्पीशी उतर के पॉजिटिव स्पीशी के साथ रिप्लेस हो रही होती है तो इनको हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देते हैं। और इनके अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रही होती है वो हमारे पास सार फॉर्मेशन जो है वो हमारे पास हो रही होती है। तो ये हमारे पास रिएक्शन इन्वॉल्विंग द हाइड्रोजन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप के रिगार्डिंग जनरल पॉइंट्स थे। उसके बाद हमारे पास दूसरी तरह के रिएक्शन आ जाते हैं जिनके अंदर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप का जो है वो इन्वॉल्व होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो हमें ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा यहाँ से। उसके बाद अगर दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि OH नेगेटिव एक नेगेटिव स्पीशीज जो है वो रिप्लेस होगी किसी भी दूसरी नेगेटिव स्पीशीज से जो कि हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जब OH डिटैच होता है हमारे पास किसी भी सब्सटेंस से तो हम लोग उसको बोलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे बेस के तौर पर एक्ट कर रही होती है, हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे प्रोडक्ट्स कौन सी बनती हैं तो हमारे पास यहाँ पे बनने वाली जो प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास कार्बोक्सैलिक एसिड डेरीवेटिव जो है वो हमारे पास बन रही होती हैं। आप लोग ये पॉइंट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होती हैं वो कार्बोक्सैलिक एसिड डेरीवेटिव होती हैं। उसके बाद अगर हम लोग थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो वो वाले रिएक्शन होंगे जिनके अंदर हमारे पास पूरे का पूरा जो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो एज अ होल इन्वॉल्व होता है। जब पूरे का पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप एज इन होल इन्वॉल्व होता है वहाँ पे हमारे पास रिडक्शन होती है। रिडक्शन दो तरह की होगी, अगर पार्शियल रिडक्शन होती है तो लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल्स, और अगर हम लोग कंप्लीट रिडक्शन की बात करें तो हमारे पास वहाँ पे एल्केन्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। हम लोग इनको डिटेल के साथ भी डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू दिया गया है कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल और कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ होल इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ से किस तरह से एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज देखते हैं, कैसा रिएक्शन इन्वॉल्विंग डैश ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल या फिर कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ होल। तो हमने देखा जब हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, जब हाइड्रोक्सिल इन्वॉल्व होते हैं तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, यही राइट ऑप्शन। जब कार्बोक्सिल ग्रुप एज अ होल इन्वॉल्व होता है तो इसका हम लोग रिडक्शन रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग डैश ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड लीड्स टू द साल्ट फॉर्मेशन, किसके नतीजे में हमारे पास साल्ट फॉर्मेशन होती है। तो जब हाइड्रोजन इन्वॉल्व होता है तो हमारे पास साल्ट फॉर्मेशन होती है, जब हाइड्रोक्सिल इन्वॉल्व हो तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स बनते हैं, जब कार्बोक्सिल इन्वॉल्व हो तो अल्केन भी बन सकती है और अल्कोहल भी बन सकती है, इन केस ऑफ पार्शियल रिडक्शन अल्कोहल, इन केस ऑफ कंप्लीट रिडक्शन जो है वो हमारे पास अल्केन्स बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पूरे के पूरे जो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द हाइड्रोजन एटम, हमारी बुक के अंदर जितने भी रिएक्शंस गिवन हैं इनकी डिटेल हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शंस विद बेसिस। जब भी हमारे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है तो उस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दे रहे होते हैं। जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करती है तो हमारे पास एक सॉल्ट बनता है और दूसरा हमारे पास वाटर बन रहा होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो कहलाता है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एसिटिक एसिड है, इसने एक बेस के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास यहाँ पे सोडियम एसिटेट की फॉर्मेशन होती है, साथ में वाटर का मालिक्यूल जो है वो रिलीज हो रहा होता है। हमेशा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास सॉल्ट और वाटर जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में आप लोगों को आगे जाकर टैकल भी करवाता हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये नोट डाउन कर लें कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं इनका बेस के साथ जो रिएक्शन होता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये रिएक्शन शो करते हैं, लेकिन हमने शुरू में कहा कि अल्कोहल्स की केमिस्ट्री जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलती जुलती होती है, तो ये हमारे पास एक कॉमन रिएक्शन नहीं होता बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये एमडी कैट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से पूछा जा रहा होता है। अब ये चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कोशिश क्या करें कि कॉन्सेप्ट्स भी बनाया करें, चीज़ों के ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों को साथ साथ लेके चला करें, तो वो चीज़ें हम आप लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन शो करते हैं लेकिन अल्कोहल शो नहीं करते, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन अल्कोहल हमारे पास ऐसा चीज एक स्ट्रॉन्ग जो है वो हमारे पास यहाँ पे एसिड आएगा, वीक एसिड बेस की जगह पे एसिड आएगा, कि हमारे पास जो अल्कोहल है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होती, हमारे पास एक वीक एसिड, और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हमारे पास बेस के साथ रिएक्शन कॉमन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल का, तो हमारे पास आंसर होगा कि हमारे पास बेस के साथ जो है वो कॉमन रिएक्शन नहीं होता। कौन सा कॉमन होता है हम लोग अभी जाके इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शन विद द कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग साल्ट्स बनते हैं। याद रखें कि हमारे पास बेस के साथ रिएक्शन हो, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन हो, या फिर हमारे पास अभी हमने मेटल्स के साथ रिएक्शन पढ़नी है, हर केस में हमारे पास जो साल्ट्स बनते हैं वो हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग बनते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग साल्ट्स से मतलब ऐसे साल्ट होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में हमारे पास जो है वो सेम होंगे। अब यहाँ पर क्या होता है कि CO2 जो है वो हमारे पास इवॉल्व होती है विद द एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल दूँ तो अगर आप लोग चोरी छुपे फ्रीजर के अंदर जाके बोतल कोक वगैरह निकाल के उसको ओपन करके पीने की कोशिश करते हैं, तो जब हम लोग ओपन कर रहे होते हैं तो वहाँ से जिस तरह की आवाज़
निकल रही होती है बहुत से, तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही रिलीज होती है, तो वो जो आवाज़ निकल रही होती है उसको हम लोग एफरवेसेंस ही बोलते हैं। और अगर हम लोग इसको डायग्रामेटिकली देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास एसिड और हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन होता है, तो यहाँ से हमारे पास बुलबुले टाइप जो है वो चीज़ निकलती हुई दिखाई दे रही है, इसको हम लोग एफरवेसेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोगों ने एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाया सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो हमारे पास सोडियम एसिटेट, जितने कार्बन वाली आपके पास कार्बोक्सैलिक एसिड है उतने ही कार्बन वाली आपके पास जो है वो सॉल्ट जो है वो बन रही है, साथ में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से रिलीज़ होती है और साथ में वाटर का मालिक्यूल जो है वो हमारे पास रिलीज़ हो रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि टेस्ट टू कन्फर्म द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सैलिक एसिड, याद रखें कि कोई भी एसिड हो जब भी हम लोग उसका कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएं तो वो CO2 को इवॉल्व कर रहा होता है, और ये जो रिएक्शन है ना कि हमारे पास CO2 का इवॉल्व होना ये कार्बोक्सैलिक एसिड का स्पेसिफिक टेस्ट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन तीनों रिएक्शन में से कौन सा जो है हमारे पास रिएक्शन एज अ स्पेसिफिक टेस्ट फॉर कार्बोक्सैलिक एसिड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट जो है वो हमारे पास एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है टू चेक द आइडेंटिटी ऑफ द कार्बोक्सैलिक एसिड। इसको हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे पास इवॉल्व हो रही होती है। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शन विद मेटल्स, इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। याद आपको रिएक्टेंट्स भी पता होने चाहिए और प्रोडक्ट्स भी पता होने चाहिए। जब हमने रिएक्शन विद बेस की बात की तो हमारे पास साल्ट के साथ वाटर रिलीज होता था, जब हम लोगों ने कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की बात की तो हमारे पास साल्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दो चीज़ें रिलीज हो रही थी। अब हम लोग मेटल्स की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास हम लोग देखेंगे कि साल्ट के साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व हो रही होती है, और ये जो बात मैं आप लोगों से कह रहा कॉमन रिएक्शन की, ये वो बात है कि अगर आपसे पूछ रहे कि कौन सा कॉमन रिएक्शन होता है तो कॉमन रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सैलिक एसिड जो है वो हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स होता है। होता क्या है कि हमारे पास कार्बोक्सैलिक एसिड्स भी और हमारे पास जो है वो अल्कोहल, दोनों के दोनों अपने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं मेटल्स के साथ टू लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। तो बोथ रिएक्ट्स विद द मेटल टू लिबरेट द हाइड्रोजन गैस। मैं आप लोगों को इसका एमसीक्यूज भी टैकल करवाता हूँ। यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास एसिटिक एसिड मौजूद है, मीट से यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मौजूद हैं, वो 2 सोडियम को रिप्लेस करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व होती है। एक सोडियम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करने की सलाहियत रखता है क्योंकि सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है तो हाइड्रोजन के ऊपर भी +1 चार्ज होता है, एक सोडियम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ सोडियम रिक्वायर होते हैं एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करवाने के लिए। लेकिन अगर मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या होता है +2, मीन उसे वो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है। तो अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करवाना हो तो ग्रुप 2 का एक ही मोल रिक्वायर होता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवानी हो ग्रुप 1 की मेटल से तो आप लोगों को 2 मोल जो है वो रिक्वायर होते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपको कार्बोक्सैलिक एसिड में से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करवानी है और आपने उसका रिएक्शन करवाना है ग्रुप 1 की मेटल के साथ तो आपको 2 मोल्स ऑफ मेटल रिक्वायर होते हैं, और अगर आपने 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करवानी हो कार्बोक्सैलिक एसिड से ग्रुप 2 की मेटल को इस्तेमाल करके तो आपको सिर्फ 1 मोल ऑफ मेटल ही जो है वो रिक्वायर होते हैं। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सैलिक एसिड इन्वॉल्विंग द हाइड्रोजन इन विच हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, मतलब ये वो पर्टिकुलर टेस्ट होता है जिसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन गैस है वो हमारे पास इवॉल्व हो रही होती है, ऐसे चीज आप लोगों से एमसीक्यूज पूछा जा सकते हैं। अब हमने देखा कि इन तमाम रिएक्शंस के अंदर हमारे पास कॉमन प्रोडक्ट कौन सी होती है, वो हमारे पास साल्ट होते हैं। अब अगर हम लोग देखें कि हम लोग साल्ट को नाम किस तरह से देख सकते हैं, तो नेमिंग साल्ट ऑफ कार्बोक्सैलिक एसिड के अंदर क्या करना होता है कि आपने सबसे पहले कार्बोक्सैलिक एसिड का नाम लिखना होता है। लाइक हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हमारे पास CH3COOH हमारे पास क्या था, ये हमारे पास एसिटिक एसिड था, तो हमने इसका नाम देख लिया कि हमारे पास क्या है एसिटिक एसिड। फिर कहता है कि आपने रिप्लेस करना है एक एसिड, एसिटिक एसिड के एक एसिड को रिप्लेस कर दें 8 के साथ, अब हमारे पास क्या बना एसीटेट बन चुका है। पहले एसिटिक एसिड था, एक एसिड को 8 के साथ रिप्लेस किया तो वो एसीटेट बन चुका है। अब आपने क्या करना है कि प्रीसीड दिस नेम विद द नेम ऑफ कैटाइन, कि आपने कैटाइन लिख रहे हैं या फिर मेटल लिख रहे हैं, कि आपने जो भी मेटल इस्तेमाल की है आपने वो वाली मेटल का नाम पहले लिख देना है और उसके बाद जो है वो आप लोगों ने जो भी कार्बोक्सैलिक एसिड इस्तेमाल किया था उसके लास्ट पे 8 लगा के उसको इस्तेमाल करना है। लाइक यहाँ पे देखें CH3COOH है, सबसे पहले आपने क्या करना है कैटाइन लिखना है, यहाँ पे सोडियम जो है ये हमारे पास कैटाइन है तो हमने सोडियम लिखा, बाकी 2 कार्बन वाली कार्बोक्सैलिक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं तो हमारे पास एसिटेट आ जाएगा। अगर यहाँ पे सिर्फ 1 कार्बन होता तो हमारे पास सोडियम फॉर्मेट होना था, अगर यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम इस्तेमाल करते तो वो मैग्नीशियम एसिटेट होना था। तो इस तरह से सबसे पहले हम लोग मेटल का नाम लिख लेंगे और मेटल के बाद जो भी कार्बोक्सैलिक एसिड होगी उसके एक एसिड को 8 के साथ रिप्लेस कर देंगे तो आप लोग साल्ट ऑफ कार्बोक्सैलिक एसिड को जो है वो नाम देने के काबिल होते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको भी नाम दे सकते हैं कि हमारे पास सोडियम और 2 कार्बन वाली एसिटिक एसिड तो हमारे पास सोडियम एसिटेट जो है वो हमारे पास बन रही होती है। तो इस तरह से आप लोग जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा साल्ट जो है वो हमारे पास बन रहा होता है। अब हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते हैं। कहता है कि एथानोइक एसिड विल प्रोड्यूस द सोडियम इथोक्साइड ऑन रिएक्शन विद सोडियम इथोक्साइड, अगेन हमारे पास एक साल्ट है
कि एथानोइक एसिड का हम लोग किस चीज़ के साथ रिएक्शन करवाएं कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्ट बनेगा। हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करवाएं तब भी सॉल्ट बनता है, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएं तब भी हमारे पास सॉल्ट बनता है, और अगर सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब भी हमारे पास सॉल्ट बनता है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास राइट ऑप्शन जो है वो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अच्छा इन क्वेश्चन को पहले खुद से स्टॉप करें और खुद से आंसर करने की कोशिश करें, फिर मेरी जो मैं रीज़न बता रहा हूँ उनको देखिएगा। कहता है कि हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, हम लोगों ने एसिटिक एसिड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाया, हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी बनेगी। प्रोडक्ट तो साल्ट ही बनती है, सिंपली आपसे ये पूछा जा रहा है कि साल्ट का नाम क्या होगा। तो सबसे पहले साल्ट के अंदर हम लोग मेटल का नाम लिखते हैं, तो हमारे पास मेटल कौन सी है, वो मैग्नीशियम। तो इसके अंदर भी मैग्नीशियम है, इसके अंदर भी मैग्नीशियम है, इसके अंदर मैग्नीशियम, तो ये डेल्टा ऑप्शन तो गई यहाँ से। अब मैंने आपको बताया कि जो भी आपके पास कार्बोक्जैलिक एसिड होता है उसके एक एसिड को एट के साथ रिप्लेस कर दें, तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसको एट के साथ रिप्लेस कर दें तो हमारे पास एसिटेट मीन, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बीटा आ जाएगा। तो फॉर्मेट कब होना था, अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मिक एसिड को इस्तेमाल कर लेते तब हमारे पास अल्फा ऑप्शन जो थी वो ठीक हो सकती थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको खुद से स्टॉप करें, देखें जो मैंने आपको बात बताई थी कॉमन रिएक्शन वाली, तो उसके हिसाब से आप लोग जो है उसको टैकल कर रहे होंगे। कहता है कि कार्बोक्सैलिक एसिड, एक ही कार्बोक्सैलिक एसिड है, वो लिबरेट करता है वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस व्हेन ट्रीटेड विद द सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ ट्रीट करना है और हमने वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में तो दो हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। सोडियम मेटल एक मोल ली है और हमने हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करना है। मेटल जितनी मर्जी ले लें लेकिन हमने कार्बोक्सैलिक एसिड जो है वो एक ही लिया है और हमने हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करनी। कहता है कार्बोक्सैलिक एसिड कौन सा है। अगर हम लोग फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं तो फॉर्मिक एसिड के अंदर हमारे पास एक OH ग्रुप मौजूद होगा, वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम निकलेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, ये राइट ऑप्शन नहीं हो सकती। एसिटिक एसिड को देखें, CH3COOH, अगेन सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही जो है वो हमारे पास इवॉल्व होगा। बेंजोइक एसिड को देखें तो बेंजीन के साथ COOH अटैच है, तो अगेन एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो ये भी हमारे पास राइट ऑप्शन नहीं हो सकता। बात करते हैं लैक्टिक एसिड की, लैक्टिक एसिड के अंदर क्या होता है कि हमारे पास सी डबल बॉन्ड OH तो होता है हमारे पास, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी हमें देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास एक ही मोल कार्बोक्सैलिक एसिड का है, तो सोडियम हमने अटैच किया, वो एक इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती है और एक अल्कोहल के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती है, तो वो लैक्टिक एसिड के इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके H2 को इवॉल्व कर देगी, तो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा। तो जो मैंने आपको बात की थी कॉमन रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सैलिक एसिड एंड अल्कोहल कौन सा आता है, तो वो हमारे पास सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होता है, तो मीन टू सी यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा, लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है विच ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन इज गिवन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया है इन क्वेश्चन का उसी से ये क्वेश्चन था। सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बेसिस के साथ रिएक्शन होता है, मीन्स ये रिएक्शन हमें देखने को मिलते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, मैंने आपको बताया कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ इनका जो रिएक्शन होता है वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाता है, तो ये भी ठीक है। फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जब भी हमारे पास CO बॉन्ड ब्रेक होता है और OH रिप्लेस होता है किसी भी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो वो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होते हैं, मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा, ऑल ऑफ दीस। तो ये हमारे पास जो है वो डिस्कशन थी, हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जिनके अंदर हाइड्रोजन इन्वॉल्व था, तो हमने उसको बिल्कुल डिटेल के साथ देखा उसके अंदर किस तरह से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, फीडबैक दिया करें लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन के अंदर कि किस तरह से लेक्चर्स को जो है वो मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।